स्टेज पर तशरीफ फरमा जनाब साजिद साहब, जनाब जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अफशान आलम साहब, और अभी हमारे बीच में डॉक्टर पूजा दीवान थी जो गायनोलॉजिस्ट भी हैं, और मेरे ख्याल से मिस यूनिवर्स मिसेस। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और हमारे बीच में मिसेस पूनम बघेल भी हैं, मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूँ। और डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं, चौकर साहब मौजूद हैं, और तमाम सबसे पहले यहाँ जितने भी हमारे कैंसर फाइटर्स हैं, हमारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए हर आदमी करता है, लेकिन जो दूसरों के लिए करता है और सोचता है, तो आज जो पूनम बघेल जी ने जो ये बीड़ा उठाया पहले 2000 में, और फर्स्ट क्लास ऑफिसर है भारत सरकार के अंदर, और उसके बाद में इन्होंने जो सोचा उसको लेकिन भी आगे बढ़ी, और आज मैं समझता हूँ कि अभी मुझे यही आगे पता लगा, मुझे भी आपके इस इवेंट का हिस्सा बनाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दिल्ली गवर्नमेंट से आपको जिस किस्म की भी हेल्प चाहिए होगी, जो भी जानेगा वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और आपके साथ साइकिल गोल्ड के अंदर आपके साथ जरूर हिस्सा लेगा। और आगे आप जब भी इस किस्म का इवेंट करें तो मुझे भी याद कीजिएगा, मैं भी आपके साथ रहूंगा इसके अंदर। आगे आप मुझे इसमें जरूर इन्वाइट कीजिएगा, और मैं हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन साजिद साहब, इनके वालिद साहब हैं हामिद साहब, इनके फादर हैं, इनके भाई हैं हामिद साहब, तो मैं इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि मेरा जुड़ाव बल्ली मारन से है। मैं बल्ली मारन असेंबली से जीत के आया हूँ, और वहीं मेरा घर भी है, और हमदर्द की जो शुरुआत है हमदर्द फाउंडेशन की, वो बल्ली मारन से ही है, लाखों से मेरे लिए से ही। और जितना काम करते हैं एजुकेशन को लेके हो, हेल्थ सेक्टर को लेके हो, इसके अलावा अभी कोरोना की बात हो रही थी, कोरोना के अंदर ऐसा टाइम हम सब लोगों ने देखा है कि कोरोना के अंदर उस जब लॉकडाउन लगा था, लोगों की जॉब चली गई थी, लोग बाग घर बैठ गए थे, और लोग बाग निकल भी नहीं रहे थे, और इतने परेशान थे लोग बाग, हर एक एक चीज़ से परेशान थे। उस दौरान जब लोगों को मतलब मैं समझता हूँ कि काफ़ी मेडिकल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी और दीगर चीज़ों की ज़रूरत थी, तो उस वक्त हमदर्द से गवर्नमेंट तो काम कर ही रही थी, लेकिन हमदर्द नेशनल फाउंडेशन ने भी बहुत काम किया है। मुझे याद है तो उस वक्त साजिद साहब किसी शायद इनके बड़े भाई थे हामिद साहब, तो वो उस वक्त आए, मतलब मेरे मुझसे आके मिले थे, मैंने इन्हें अपने हेल्थ मिनिस्टर साहब से मिलवाया, तो ये उसमें मदद करना चाहते थे, उन्होंने मतलब ये उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते थे कोविड के अंदर जो हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा था, क्योंकि तो गवर्नमेंट को उस वक्त जो है ऑक्सीमीटर्स की बहुत सारी ज़रूरत थी। तो उसके बाद इन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर इन्होंने जहाँ जहाँ ज़रूरत थी सब हॉस्पिटल्स में मरीजों के लिए पहुँचा है, गवर्नमेंट ने काम किया। इसके बाद और इसके अलावा भी और दीगर चीज़ों में इन्होंने काम करा, चाहे वो पी एम रिलीफ फंड हो, चाहे सी एम रिलीफ फंड हो, और इसके अलावा आज हम देख ही रहे कि ये
चाइल्ड कैंसर के लिए कितना काम कर रहे हैं, मगरी जी के साथ मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये तो एक हो गया, इसके अलावा भी ये दीगर चीजों में जिस तरीके से एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, वहाँ इन्होंने हकीम अब्दुल हमीद साहब ने, इनके दादा ने हमदर्द की नींव रखी थी, और जो उनका मकसद था वो पैसा कमाना नहीं था। अभी जैसे आपने यहाँ पे सुना होगा, अभी यहाँ पे कुरान की एक आयत की तिलावत हुई थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि रात को अगर जो लोग कम सोते हैं और जो लोग ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, तो हम तक मैं समझता हूँ जब एक मुकाम पे कोई भी आदमी पहुँच जाता है, अगर कोई भी आदमी बेड़ा उठाता है, कोई भी कंपनी खोलता है, उसको चलाने के वक्त उसका जैसे उसके फोर फादर्स से शुरू करा होता है, तो उनकी नियत होती है कि मैं अपने कौम के लिए, अपने देश के लिए मैं इसे सर्व करूँगा, जो मैं कमाऊँगा उसमें से इतना मैं अपने लोगों के लिए लगाऊँगा, चाहे वो एजुकेशन पे लगाऊँ, हेल्थ पे लगाऊँ। लेकिन जब उनकी जनरेशन आती है तो वो ज़्यादातर मैंने नोट करी ये चीज, आप लोगों ने भी कही होगी, वो प्रोफेशनल्स हो जाते हैं, वो लोग सिद्धांतों से भटक जाते हैं। लेकिन मैं हमदर्द फाउंडेशन के इन मेंबर्स को, इनके परिवार को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि उनके कई बार अवसर मिलता है हमेशा, और मैंने ये देखा है कि ये लोग मतलब उसी तौर तरीके से चल रहे हैं, जो भी इन लोगों की आमदनी अपने फूड प्रोडक्ट से या दवाई से या हॉस्पिटल से यूनिवर्सिटी से होती है, उसको ये पब्लिक के लिए सर्व कर रहे हैं। अपने लिए तो सब करते हैं, लेकिन अपने जो इनके सिद्धांत हैं, जो इनके दादा या इनके वालिद साहब या इनके फादर ने जो उसको लेकर ये चल रहे हैं, इनको लेके, और मैं समझता हूँ अपने लिए तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन जो लोग दूसरों के लिए, मानवता के लिए काम करते हैं, वो हमेशा याद रखे जाते हैं, और उनका बरकत भी होती है। इन्होंने बताया आप एक खर्च करोगे, अगर आप बरकत किस काम के लिए, आप अगर एक खर्च करोगे पता नहीं आपका कितना काम चलेगा, मैं ये मानता हूँ। और मैं इस काम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और पूनम बघेल जी को, इनकी पूरी टीम को, इनके साथ जितने लोग जुड़े हुए, सब लोगों को, इनकी पूरी एंटायर टीम को, जितने हॉस्पिटल जुड़े हुए, जितने इनके साथ कंपनी जुड़ी हुई, जो जो लोग इनको इस काम के लिए फंडिंग करते हैं, जो जिन जिन लोगों ने अपने आप को सर्व कर रखा है इसमें, अगर फंड नहीं दे सकते अपने आप कर रहे हैं, जो भी लोग काम करते हैं, मैं सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और पूनम बघेल को ये यकीन दिलाता हूँ कि गवर्नमेंट भी इस काम में पूरी तरीके से आपके साथ है। आपके साथ प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए भी, बनाने के लिए भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।